नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। खबर गोरखपुर से, यह कैसा है विकास, क्यों नहीं हुआ नाली का निर्माण, ग्रामीण क्यों हुए आक्रोशित, ग्रामीण ग्राम प्रधान के ऊपर क्यों लगा रहे हैं आरोप, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखें एक खास रिपोर्ट। सरकार के द्वारा गांवों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकाली जाती हैं ताकि गांवों का विकास हो सके, लेकिन गोरखपुर जिले के विकास खंड ब्रह्मपुर क्षेत्र के बुहाबर ग्राम सभा से हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। इस ग्राम सभा के लालपुर टोले के ग्रामीण जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण अपने ग्राम प्रधान पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। ग्रामीण बिना किसी कारण के आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ की समस्या से कितने त्रस्त हैं। विकलांग भी थ्री व्हीलर लेकर इस पानी में फंस जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आरोप ग्राम प्रधान पर ही क्यों? दरअसल गांव की कोई भी समस्या होती है तो गांव का मुखिया होने के कारण समस्या का निराकरण ग्राम प्रधान के द्वारा ही कराया जाता है। हालांकि इस जल निकासी की समस्या के संदर्भ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जल निकासी के लिए कोई उचित जगह न होने के कारण हम अपने ग्राम सभा के दो टोले पर नाली का निर्माण नहीं करा सके हैं। जमीन नहीं है, दो टोले में जमीन नहीं रही है, निर्माण करा कर हम क्या करेंगे, जगह नहीं है गिराने के पानी वहाँ से, जैसे की जगह नहीं है वहाँ पे। कौन कौन सा टोला होगा? पूर्वी गाँव है, पूर्वी में नई जगह है, आबादी वगैरह होता तो नहीं जगह। और एक तो टोला बता रहे थे आप, वो लाल जगह नहीं है। वही लालपुर टोले की जनता इस पर क्या कहती है, थोड़ा इस पर भी नजर डालते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान कहते हैं कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ का कोई भी विकास नहीं कराऊंगा। अरे भाई, प्रधान तो कहता है कि लालपुर ग्राम से मतलब नहीं है। कितने घर की उपस्थित है यहाँ? लगभग 100 घर। 100 घर, इस 100 घर में कौन कौन सी बिरादरी है यहाँ पे बताएंगे? यादव, पासवान, निषाद, शर्मा। निषाद कितने घर होंगे? दो चार घर हो गए। कौन है प्रधान आपके यहाँ? तो उसका मानना है कि यहाँ पे आप लोग वोट नहीं दिए हैं। और क्या क्या समस्या? बीमारियां अनेक होती है, जैसे मच्छर बहुत बहुत ज्यादा पड़ते हैं, और वो तभी कर रहा कि हमको कुछ भी लोग कहीं तुम चल जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, तभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, रास्ता नहीं बनने। क्या नाम है आपका? राजस्थान। शौचालय कितने यहाँ मिले? क्या सर? शौचालय, शौचालय कम से कम लगभग 2-4 हो, किसी को शौचालय भी नहीं दिया। कितने घर है यहाँ पे? कम से कम 100 से ज्यादा। ये पानी की समस्या के लिए आप बोले प्रधान से? हाँ, प्रधान से बोला था कि करेंगी नहीं, बोला कि करेंगी नहीं, जो करना आप मेरा कर लो, और नहीं जो कुछ करेंगे नहीं। भैंस आपकी बहुत गंदगी होती है, हम लोग की बहुत बीमारी का दिक्कत है, और मच्छर बहुत ज्यादा लग रहा है। दवा का इधर बस कोरोना टाइम में, कोरोना के समय स्कूल पे कराया और काम में 5 साल बीतने वाला, 5 साल में गाँव में एक दिन भी नहीं आया। वल्ली स्कूल पे आया एक आध बार, वही कोरोना के बाद मरी जाए थे तो उसी में एक आध बार किसी पाक मरवाए, उसके बाद नहीं आया। इस पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि क्या कहते हैं, जरा उन्हें भी सुनते हैं। लालपुर में कुछ ग्रामीण बताते हैं कि प्रधान जी यहाँ की नाली निर्माण के संबंध में बोले हैं कि यहाँ से हमें कोई वोट ही नहीं मिला है, इसलिए हम नाली नहीं बनवाएंगे। क्या ये सही? ऐसी कोई बात नहीं है, वोट नहीं मिला, हर जगह से मिला है, जो दिया वो भी।